साथियों नमस्कार, स्वागत है एक और ब्लॉग में। मैं हूं लोकन हवलदार और आप देख रहे हैं कुमेर ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो गेट है जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर, पशु मेला जो लगता है अपने यहाँ भरतपुर में। तो आज तारीख है 6 अक्टूबर और ये स्टार्ट होने जा रहा है मेला। 8 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग हो जाएगी। 8 अक्टूबर से मेला पूरी तरह से चालू हो जाएगा। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मेले में क्या क्या चीज़ आए हैं, कितने सर्कस आए हैं, कितने झूले आए हैं, या जो भी आपके खेलने कूदने के और जो आइटम खरीदने के क्या क्या आइटम आए हैं, ये सब कुछ आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ जसवंत प्रदर्शनी में। तो आप स्टार्टिंग करिए, देखिए और मेला देखने आइए अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। बताइए कैसा लगता है और मेरी वीडियो देख के कौन कौन आ रहा है या आ चुका है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अंदर से दिखाता हूँ अभी। ये है कुमेर गेट। तो कुमेर गेट चौराहे से इधर गया जो रास्ता, ये कुमेर के लिए, ये मार्केट में अंदर के लिए, और ये जा रहा है सीधा रेलवे स्टेशन के लिए, सर्कुलर रोड बोलते हैं इसको। और ये रास्ता जा रहा है सीधा हीरादास के लिए, ये वाला। तो इस हीरादास के रास्ते पे ही हीरादास और हीरादास से पास में ही ये जो मैदान है, ये जसवंत प्रदर्शनी का मैदान, मेला ग्राउंड ये है। ये है इसका मेन गेट। तो यहाँ से सबसे स्टार्टिंग में जो लगती हैं वो लगती हैं खजला की दुकानें। ये देखिए इधर भी काम चालू है, अभी खजला की दुकानें लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ टोटली अपने भरतपुर वाले हैं या फिर खजला अपना खुर्जा वाले, चौबर्जा बाजार वाले सभी हैं। और कितना ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और मैं निकल गया हूँ बाइक लेके, आपको मैं भी दिखाऊँगा थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा, तो अभी यहाँ से कुछ मामला ऐसा, तो यहाँ देखिए उधर तो लग रही है नाव, और इधर की तरफ है बड़ा वाला झूला। अभी तो सुबह सुबह की ही वीडियो है ये, लेकिन आने वाले टाइम में देखना आप, रात का दृश्य बहुत ही सुंदर होगा और यहाँ बहुत सारे लोग झूलने भी आएंगे। और साथियों ये जो लोग हैं जितने भी भाई सीधी सी मजदूर लोग हैं, ये काफ़ी दूर से आस लेके आते हैं कि हम भी भरतपुर चलें और कुछ ना कुछ कमा के लाएं, जिससे हमारे बच्चों का जो भरण पोषण है वो हो सके, हम अच्छे से मेहनत कर सकें। इधर मौत का कुआं है, आपने देखा होगा बहुत ही खतरनाक खेल होता है मौत के कुआं में बाइक चलाना, गाड़ी चलाना। लेकिन ये रिस्क लेके सब कुछ आपको दिखाते हैं, आपको मनोरंजन कराते हैं, आपके कुछ चंद पैसों के लिए ये मौत तक खेलते हैं। तो तभी तो बोलते हैं इसको मौत का कुआं। इधर आप पीछे देख रहे हो मेरे ये नाव, इसमें हम एन्जॉयमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सारे बच्चों को, बड़े बूढ़ों को या सबको। और हम जहाँ नज़दीक हैं, नज़दीक या दूर दूर तक के भी आते हैं, बहुत दूर दूर तक जनता मतलब मेला देखने पहले जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा क्रेज़ कम होता जा रहा है। पर ऐसा क्रेज़ कम क्यों हो रहा है आप बताना तो सही, बाकी हमारे भरतपुर में तो अच्छा क्रेज़ है। मैं तो मेरा जब तक 3-4 दिन नहीं देख लेता मेरा मन ही नहीं भरता है, और आपका बताना। इधर मैंने आपको बता ही दिया, और भी बताने वाला हूँ आपको यहाँ इस मेले के अंदर आज कितने मौत के कुआ हैं, कितनी नाव हैं, और कितने ये बड़े वाले झूले लगे हुए हैं। बाकी खजला की दुकानें तो आपको भरपूर मिल जाएंगे, जिसमें आपको नमकीन खजला, मीठा खजला, ये 2-3 तरह के खजला मिलते हैं और आप फैमिली के साथ में इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चाट की दुकानें भी होती हैं भरतपुर के अंदर इस मेले के अंदर, तो फैमिली के साथ आओ इन्जॉय करो, अच्छा लगता है। ये बाइक जो खड़ी हुई है, एक यहाँ खड़ी है, वह तो वहाँ खड़ी हैं, और एक ये खड़ी है, ये वही बाइक हैं जो मौत के कुआं में ऊपर तक चलेंगी। ये देखो मोटरसाइकिल कंडीशन, लेकिन दौड़ेगी ये गाड़ी। एक आ गई है और गाड़ी की मालूम ना है। उधर है एक और नाव, आगे दिखाऊं तुम्हारे का ब्रेक डांस भी आए हैं आगे। इधर की तरफ खजला की दुकान है, उधर की तरफ आपके फैशन वाली दुकान है, यहाँ चाट की दुकानें लगती हैं कुछ। इधर की तरफ है जो अपने खेलकूद वाले आइटम, जिसमें आपका मौत का कुआ हो गया, सर्कस। आगे की तरफ है, मैं सर्कस दिखाता हूँ। बाकी यहाँ क्रेन लगी हुई हैं, आगे से सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे शायद झूला ही लगेगा बड़ा, ये झूले का ही आइटम है। ये भी उतर रहा है इनका, ये भी झूला ही है कोई।
और आपके पास सर्कस कौन सा आया है आपको बता दें, हर बार की शायद यही आता है, तो इधर की तरफ मैं आपको दिखाता था हूँ सर्कस। सर्कस ये आया है सर्कस आपके पास, न्यू कमल सर्कस। तो यहाँ की रौनक 2 दिन बाद बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। यहाँ भी इनका भी झूला उतर रहा है, एक झूला यहाँ से भी, ये भी करेंगे, ये भी झूला है। अभी तो गाड़ी आ रही है, ये मशीन लाए खोलने के लिए। बहुत बढ़िया ये जुगाड़, बहुत बढ़िया लगे साहब, ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। एक ब्रेक डांस यहाँ आए हुए हुए और एक ब्रेक डांस यहाँ, तो 2 ब्रेक डांस तो ये, बाकी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ कहाँ चीज़ है। और यहाँ चल लो अभी गणेश चाचा भी, तो व्यवस्था बनाएंगे कहाँ लगाएंगे यहाँ चाचा, अच्छा रोड लाइट के लिए व्यवस्था है आपकी, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। आप भरतपुर से ही हैं तो, अच्छा 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 बहुत बढ़िया। तो लाइट की व्यवस्था तो मेले की होती होगी ना, चलो बहुत अच्छी बात, पशुपालन विभाग भरतपुर, बहुत बढ़िया। ये पूरी जगह जो खाली पड़ी है सर्कस के सामने, तो ये भी आज या कल में भर जाएगी, बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है। तो बच्चान के काजे घूमने काज, छोटी गाड़ी, गाड़ी वाले झूला छोटे वाले, और तुम्हारे ब्रेक डांस और भी है, एक यानी कि 3 ब्रेक डांस है। इधर की तरफ एक झूला और है, यहाँ और है, अब की बार झूला बहुत आए, और एक बड़ी वाली नाव और एक ब्रेक डांस, वो 4-5 ब्रेक डांस है अब की बार, तो अब की बार ब्रेक डांस बहुत है, अच्छी बात है। अभी तो तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत कुछ, और क्या कमा के जाएंगे क्या नहीं कमा के जाएंगे मालूम पड़ेगा। और यहाँ लगे अपनी जसवंत प्रदर्शनी, इसके अंदर ये जगह आपको खाली पड़ी है। अभी मैं दोबारा जब ब्लॉग बनाऊंगा तो आराम से पैदल पैदल बनाऊंगा, अभी तो मैं बाइक से ही बना रहा हूँ। तो यहाँ ये जो जगह खाली पड़ी है, ये सब प्रदर्शनी के काज हैं, जो जसवंत प्रदर्शनी जो हमारी मेन जो मुख्य मेला जो आनंद प्रसिद्ध है, पशु मेलो और जसवंत प्रदर्शनी, तो यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है, जो बाहर बाहर से जनता है के और प्रदर्शनी लगावे। अभी तो यहाँ इन्हें कपड़ा सुरखा रखे हैं, और ये बढ़िया व्यवस्था है। राधे राधे चाचा। और हमारे मेले विभाग ने, मेले कमेटी ने ये सारी व्यवस्था कर देंगे, हम माइक वगैरह लगा दिए, लाइटिंग वगैरह का और बाको काम चालू है। इधर की तरफ तो भी पानी भर रहा है, यहाँ भी बहुत सारे चाट भंडार या फिर कपड़ा सब चीज़ मिल जाएगी। राधे राधे। ये जगह पूरी ही बढ़ जाएंगी, अभी तो खाली पड़ी हुई है पूरी, लेकिन ये अभी आज से 2 दिन बाद यानी 6 तारीख और 8 तारीख को ये बहुत कम है जगह, बिल्कुल यहाँ आम धरवे को जगह नहीं मिलेगी, जो समझो इतनी भीड़ रहेगी अब की बार। तो ये दूसरा चौराहा है, यहाँ तो इधर की तरफ भी दुकान, यहाँ तक पानी भर रहा है, प्रशासन ने निकलवाया खाली करवाया। इधर की तरफ भी क्रॉकरी वगैरह की, खेल खिलौना की, लेडीज आइटम की दुकान, इन जगह पर रखेंगे ज़्यादातर, ये खाली जगह है। बाकी मैं आपको 8 या 9 तारीख में दोबारा दूसरा ब्लॉग और बना के दूँगा, तो बाद दूसरे बारे ब्लॉग में आप और एंजॉय कर सकें, और बाद में मैं पूरी डिटेल से सारी चीज़ कहाँ कहाँ दुकान कौन कौन सी चीज़ की है वो सब कुछ दिखाऊंगा। बाकी तुम आज नहीं देख लो और इनते ही काम चलाओ। ये देखो ये दूसरा चौराहा, ऐसे ही इधर की तरफ भी दुकान लगेंगी और यहाँ भी लगेंगे, इधर की तरफ मैंने दिखाई दियो। अब चलूँ नज़दीकी थे आगे की तरफ, यानी ब्रेक डांस और मैंने दिखा दूँ दोबारा। देखो ब्रेक डांस, अब क्या ब्रेक डांस बहुत आए, हाँ नाप भी, क्योंकि ब्रेक डांस यहाँ भी कम से कम 5-6 तो मैंने ही संभाल लिया यहाँ। अब ये भैया तो अभी पेंट करके लग रहे हैं, कहाँ से आए भाई साहब, भैया बिजी है, कोई बात नहीं, अभी नए पेंट फेंट करके यहाँ तो चमक मारेगी और अच्छी। अच्छा ये बच्चा ने क्या काजे हैं, कहाँ से आए हैं आप, जयपुर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भैया जयपुर से आए, तो जयपुर से आए के यहाँ भाई मेले हैं, जहाँ मेला लगे वहाँ व्यवस्था बना लेनी चाहिए, और ये नाव की व्यवस्था है रही है, यहाँ 2 नाव लगातार हैं। ये वैसा झूला होगा, अच्छा ये बड़ो वालो झूला है, अच्छा अच्छा बड़ो वालो झूला, नाव और फिर वहाँ ब्रेक डांस, अच्छा नहीं बहुत बढ़िया। ये अभी तो साफ सामान यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ पे लगाई जा रही है ट्रेन, ड्रैगन ट्रेन, बाकी पटरी बिछाई जा रही है अभी, और भरतपुर में भीतर चलेगी रही है। अब कहाँ से आए भाई साहब नाव लेके आप, अभी तो
नसीराबाद, ये कहाँ पड़े? अजमेर। अच्छा, अजमेर जिला में। तो काफी काफी दूर दूर से आम है। अच्छा, अच्छा ये नाव ऐसी है जो हवा में चले, बाकी सब पानी में चले, है ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो आज आपको मैंने बहुत सारी अपने भरतपुर मेले के बारे में जानकारी दी, तो आपको कैसी लगी जानकारी? और अभी आज 6 तारीख को जो मेला है अभी स्टार्ट ना है, 8 तारीख के बाद में स्टार्ट है, तो आप अगर आना चाहें तो 8 तारीख के बाद में ही आएंगे। 8 तारीख को स्टार्टिंग ही होगी, तो कोई खास स्टार्टिंग मत मानो 8 की, लेकिन 9 तारीख को भरपूर स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो आइटम है ना ये सब लग जाएंगे और ये धुआंधार अपने फुल रौनक पे होंगे, और रात को आपको फुल एंजॉयमेंट, और रात को ही मज़ा ज़्यादा आवे। शाम को टाइम पे आओ और रात को 12 बजे तक मेला देख के जाओ। ठीक है साथियों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए शेयर, प्यारा सा कर दीजिए कमेंट कि आप मेला देखने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। और आज मैंने थोड़ा सा ब्लॉग करने का जो अपना तरीका है वो थोड़ा चेंज किया है, तो आपको यह तरीका भी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और भरतपुर से हो आप, प्रॉपर भरतपुर से, तो मेरे लिए नहीं, भरतपुर मेला और भरतपुर को आगे बढ़ाने के लिए, मेले को और सफल बनाने के लिए वीडियो अवश्य शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो भी आप जिसको कुछ भी मानते हों उसके साथ, और आएँ मेला देखने भरतपुर में। फिर मेला, राधे राधे, जय श्री राधे।